ஏறி அப்படி பைக். और थैंक यू सो मच। तो इससे पहले वाला वीडियो जाके देखो, डिलीवरी वाला, उसके बाद हम घर आए। अब इसका पब्लिक रिएक्शन चेक किया जाए। तेरे घर चल रहे हैं अपन पार्टी वार्टी करने, तो बहुत प्यारी है भाई, डिटेलिंग देखो। हाँ, 10,000 से 5,000 से नीचे डाउनशिफ्ट नहीं करेगा। अभी इसके फंक्शन समझने को टाइम चाहिए। हाँ, चलो भाई, हो गई पूजा। पूजा क्या लग रही है KTM, वाह। बाय द वे, ये भी राजस्थान की पहली है, और ये भी राजस्थान की पहली थी। कंसोल देखो भाई, क्या मस्त लग रहा है। मज़ा आ गया, मज़ा। वाइब्रेशन नहीं है, वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये अभी वाइब्रेट कर रही है, लेकिन इसके अंदर वॉशर लगने के बाद ओके हो जाएगी। अभी बाइक चली है सिर्फ 4 किलोमीटर। तो आज अपने साथ अपनी सारी गैंग है। ओहो, वाओ। अभी क्या है ना, मेरे को बाइक समझनी पड़ेगी पहले, ठीक है, मूछ है। वाओ, जो पंच चाहिए था ना वो है भाई इसमें। वाओ, तो इससे पहले वाले वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हो कि अपन ने बाइक की डिलीवरी कैसे ली थी, अपने डेबिट कार्ड से, यहीं से ली थी। बाइक नो डाउट बहुत बढ़िया, स्लीपर क्लच भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। बेसिकली क्या है, मैं अपग्रेड हुआ हूँ ड्यूक 200 से ड्यूक 390 एडवेंचर पे। बच्चों को लग रहा है पता नहीं कौन सी बाइक है, सब ऐसे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं ना बाइक को, देख रहे हो बस के अंदर से। पक्का ऐसे करो। क्या बात है, मजा आ गया भाई। लेकिन जैसा पैसा है ना उसके अकॉर्डिंग तो वसूल है। थोड़ी सैडलिंग कर ली जाए सिटी के अंदर। मजेदार तो है भाई। सबसे बेस्ट थिंग क्या है ना, जब आप एडवेंचर बाइक लेते हो, जब उस पर ट्रैवल करते हो ना, तो आपको रोड पे ज़्यादा थकावट नहीं होती है। मेरे पास ड्यूक 200 है और उस पर मैं जब राइड करता था मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ड्यूक 200 से। लेकिन क्या होता है ना, अपन जैसे थ्रॉटल खींच के रखेंगे हमेशा और रोड ख़त्म ही नहीं होती, मतलब कि डिस्टेंस कवर करने में ना टाइम लगता है उसमें। ड्यूक 200 जैसी बाइक नहीं है अभी तक, ट्रस्ट मी। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस कर लो, बिकॉज आने वाले टाइम पे उधम मचने वाली है। और इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर लो, जिससे आपको सारी अपडेट्स मिल जाएगी। मेरे को क्या चाहिए था कि जब भी मैं बाइक चलाऊँ, मेरा जब कैमरा चालू रहे, तो ये कंसोल बहुत ब्यूटीफुल लगना चाहिए, और वही है आज। छः पलट पलट के देख, मैंने मुहूर्त करा लिया पंडित जी, वरना आपसे ही करवाता। क्या बात है, आपकी भी नहीं मेरी भी नहीं, सेम पिंच सेम पिंच। बाइक इट्स सो स्मूथ, मोस्ट प्रोबेबली मैं जल्दी एक राइड करके कंप्लीट करके आने वाला हूँ 1,000 किलोमीटर की, जिससे फटफट आके सर्विस करा लें अपन। तो आप लोगों के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो भी लेके आऊँगा, जिसमें मैं बताऊँगा कि मैंने बाइक कितने की ली और कैसे ली है, एप्लीकेशन एंड ऑल सब बताऊँगा आपको। इसका ऐसा रिएक्शन आ रहा है ना, सब ऐसे पलट के देख रहे हैं सामने से कि कौन सी बाइक है भाई। ऑब्वियसली बात है, अगर ऑरेंज दिख रहा है तो KTM तो समझ ही जाता है आदमी, लेकिन कन्फ्यूज रहता ये कि यार कौन सा मॉडल है, कब आया। रेडियस भी चेक हो ही जाएगा अभी। हम BMW के शोरूम ये राजस्थान की पहली है। हाँ, आई एम राइडिंग BMW F850 और दीपक भैया विल बी राइडिंग माय ड्यूक 390 एडवेंचर। और आपको दिखाते हैं कैसी लग रही हो बाइक।
तो अभी हम लोग जा रहे हैं हरमन के घर पे, वहीं पे कुछ खाएंगे पिएंगे। ये रही अपनी बाइक, चलो अपनी बाइक भी आ गई। घर ऐसा होना चाहिए जिसमें सारी बाइकें आ जाए। सही बात है भाई, लाइनअप देखो, लाइनअप लाइनअप देखो भाई, लाइनअप देखो, BMW BMW बनेली मोड। ठीक है सर, सो आई होप आप लोगों को बाइक देखने में मजा आया होगा और आने वाले टाइम पे बहुत सारी बाइक्स चलाने में मजा आया आपको, है आपकी भी बाइक चलाने में मजा आया मुझे BMW F850। हाँ तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आने वाले टाइम पे बहुत सारी वीडियोज आने वाली है। एक शॉर्ट वीडियो बनाया मैंने पब्लिक रिएक्शन का, जिससे आप लोगों को पता लग सके कि Duke 390 कैसी लग रही है एक सिटी राइड में। तो चलो मिलते भाई। तो दीपक भैया इज सेइंग समथिंग। दीपक भैया ऑलरेडी एक BMW 850 है, अब बताइए कुछ आप क्या बोल रहे थे। क्विक शिफ्टर, स्लीपर क्लच, ऑसम।